पीछे आपको टोल दिख रहा है, ये आगरा वाला टोल है। और देखो लौट के आ रहा हूँ, कार दिखाया निकल लिया, एकदम बादल से छाए हुए हैं कुछ कुछ, और देखो धूप निकल रही है, तो अलग ही कुछ फील आ रहा है इस वेदर का। तो समझ में नहीं आ रहा। ट्रक के पीछे की शायरी पढ़ो, फलो फूलो अपनी औकात ना भूलो। अच्छा तो भजन चला है, वो नहीं सुनने को मिल रहा, डीजे वाला सुनने को मिल रहा है, डिच्चू डिच्चू वाला। ऐसा लग रहा है लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए ज्यादा जा रहे हैं। ये देखो ये वाला देखना, अभी आप कबड्डियों के लिए देखो क्या है, गन्ने लगा रखे, केले 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 की व्यवस्था की गई है अच्छी। ये बाइक पे जा रहे हैं सब, तो ये वो भागने वाले में कह रहा था ना, देखो ये रहे, ये भागने वाला मतलब उसकी हिस्ट्री नहीं पता मुझे क्या क्यों होता है ये वाला। मतलब जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हो ना, घर वो है, ये याद रखना, जहाँ आपकी फैमिली है, बाकी तो टाइम पास चल रहा है। एक और आगे देखो, अरे यार आज तो वाकई में मुझे टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। जो ट्रेवल टाइम मेरा 3 घंटे का होता था, मुझे लगता है आज वो 4 घंटे का होगा। देखो एक और आगे कावड़ी सामने देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। मैं जरा गाड़ी चलाने पर फोकस करूं, है ना, आपसे बाद में बात करता हूं, क्योंकि यार आज रोड पर ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है मुझे। एक और ये जा रहे भाग के, किसी को पता हो कि ये मतलब बॉटल लेके भाग रहे हैं, उसमें गंगा जल है क्या चीज है, वो मुझे प्लीज बता देना, अगर किसी को नॉलेज में है तो कमेंट सेक्शन में। मुझे आइडिया नहीं है उसमें होता क्या है, मतलब जो नॉर्मल लेके चलते हैं कावड़ वो तो गंगा जल लेके चलते हैं, कोई 101 लीटर गंगा जल लेके चल रहा है, कोई कितना लेके चल रहा है, इस तरीके से अलग अलग वेट कैरी करते हैं। पर ये जो लेके भाग रहे हैं ना, एक रॉड टाइप ही लेके भागते हैं बॉटल में, आजकल आपने रील्स वगैरह में भी बहुत देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसमें भी गंगा जल होता है क्या। पीछे आपको टोल दिख रहा है, ये आगरा वाला टोल है, और देखो लौट के आ रहा हूँ, कार्ड दिखाया निकल लिया, मतलब अब चल गया कार्ड, वैसे नहीं चलना था उस दिन लौट के आया, उस दिन जा रहा था उस दिन नहीं आया बिल्कुल भी, उस दिन नहीं चला ना, ये वाला चला ना मुरैना वाला चला, और देखो आज चल गया। ये मतलब जो बंदे बैठे रहते हैं ना ऑपरेटर, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। और मेरी एक आदत है कि मैं बहस नहीं करता फालतू की, किसी से लड़ना झगड़ना वो चीज नहीं है अपने अंदर, ठीक है चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा तो ऐसी तैसी कराओ, तो फास्ट टैग में रुपए पड़े रहते हैं, काटो निकलो, वो नहीं क्यों नहीं चल रहा ये वो, हम तो चलता ये नहीं होता वो नहीं होता, भला नहीं रहा, ठीक है इतना दिमाग नहीं लगाना भाई, चल जाए तो अच्छा, ना चले तो ना, ठीक। और मौसम देखो क्या शानदार हो रहा है, एकदम बादल से छाए हुए हैं कुछ कुछ, और देखो धूप निकल रही है, तो अलग ही कुछ फील आ रहा है इस वेदर का। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या ये चीज, देख रहे हो ट्रक के पीछे की शायरी पढ़ो, फलो फूलो अपनी औकात ना भूलो। ट्रक के पीछे की जो शायरी होती है वो तो वही अल्टीमेट होती है एक नंबर। आई मीन आप अपना कोई लिख सकता है इतना अच्छा, जो कोई पोएट हो या कोई राइटर हो लिख सकता है कोई इतना अच्छा, नहीं ना, ये इनके लिए एक अलग ही टैलेंट चाहिए, कुछ माल वाल फूक के तब लगाते हैं तब लिखी जाती है ऐसी शायरी या कविता है। धौलपुर में देखो मौसम क्या एकदम बढ़िया हो गया, यहाँ तो काले काले बादल हो गए, धूप जो आ रही थी आगरा में वो गायब हो गई यहाँ पे। ये जो व्यू आता ना ये वाला सामने देख रहे हो, ये मेरा बेस्ट व्यू है इस पूरे पूरी पूरी जर्नी में, मुझे यहाँ के पता नहीं अलग ही खुशी मिलती है, मन करता है 10 मिनट गाड़ी रोकूं बैठूं जरा इस व्यू को एंजॉय करूं।
पर यार वो टाइम होता है मतलब वहां पहुंचने का, इसलिए फिर मैं कर नहीं पाता। पर कभी कभी, पर कभी कभी मैं करता हूँ, पर आज नहीं करूंगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना लवली वेदर, साथ में चंबल नदी और ये घाटियां, चंबल के बीहड़, घाटियां तो नहीं कहेंगे, बीहड़ कहेंगे, बीहड़। चंबल नदी अब थोड़े से उफान पर आ चुकी है, हल्की सी, मतलब वाटर लेवल ऐसा लग रहा है वाकई में बढ़ चुका है चंबल नदी में। हाँ बढ़िया बढ़िया भाई, अलग दिख रहा है, बढ़ गया पानी। रहना शानदार है, तो पहले मैं सोच रहा था नहीं रुकूं, पर मैंने कहा यार गाड़ी वाड़ी लेने का क्या मतलब है, अगर आप मन चाहे स्पॉट पे अगर आप रुक ना सको तो, वरना तो पब्लिक व्हीकल से चले जाते, ट्रेन से चले जाते, बस से चले जाते, क्योंकि वहां तो रुकने का ऑप्शन ही नहीं था ना, अपने व्हीकल से जा रहे हो तो जहां मन करे वहां रुक जाओ। चले फिलहाल मेरे पीछे है मुरैना वाला टोल, और देखो वो भी क्लियर हो गया। Amazing! ऐसा होता है, उस दिन मैं गया था एक भी क्लियर नहीं हुआ, ना यहाँ वाला, ये वाला क्लियर हुआ था ना आगरा वाला क्लियर हुआ था, लेकिन आज देखो दोनों क्लियर हो गए, वो भी हो गया और ये वाला भी हो गया। मैंने कहा ना वो ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या डाल रहा है, क्या सोच रहा है पता नहीं यार। उस दिन देखो उसने मना करे, आज इन दोनों ने क्लियर कर दिया, तुरंत कर देते। मैंने कहा ना आज तक हमारा यार मुरैना का टोल तो कभी लगता ही नहीं है डिफेंस वालों का, उसने उस दिन काट लिया। होता है कभी कभी, कभी कभी टैक्स दे देना चाहिए, वैसे भी बहुत टैक्स देते हैं यार, हर चीज पे टैक्स ही टैक्स दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं हम लोग, टैक्स ही दे रहे हैं बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कल यार टाइम से हम पहुंच गए थे यहाँ ग्वालियर, और उसके बाद फिर मैं चला गया ड्यूटी, ड्यूटी के बाद मैंने खाना वाना खाया, मम्मी ने खाना पैक करके रख दिया था लंच के लिए, तो खाना खाया उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम किया, वैसे शूट कुछ नहीं किया मैंने, आराम किया, आराम करने के बाद फिर शाम को फिर ड्यूटी गया, सो गया शाम को, ड्यूटी गया, ड्यूटी से आने के बाद फिर मैंने घर की थोड़ी सफाई करी, रूम की क्लीनिंग करी, गंदा हो गया तो रूम, दूसरे दिन बंद रखो तो थोड़ी सी डस्ट वगैरह आ जाती है, तो इसलिए फिर रूम की सफाई करी, फिर साफ किया, एक दो काम निपटाया, फिर खाना वाना खाया, फिर सो गया, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई। अभी फिलहाल मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ अपने लिए नाश्ता, नाश्ते में आज बनना है हमारा क्या कहेंगे से पास्ता, पास्ता कह लो या मैक्रोनी कह लो, जो भी कहना है वो है ये आइटम है, और इधर हमने ये दाल बॉयल करके रख दी है, क्योंकि दोपहर में आएंगे, दोपहर में आएंगे तो कम से कम हमें दाल बॉयल मिल जाएगी, बस दोपहर में देखूंगा चावल या रोटी जो भी बनाना होगा बना लूंगा, चावल बनाऊंगा वैसे तो। आप लोग क्या कहते हो उसे, मैक्रोनी या पास्ता? पर ये मैदे वाला नहीं है, ये होल व्हीट वाला है, मतलब ये गेहूं वाला है, ये अच्छा है, गेहूं वाला है, सेमोलिना वाला है, गेहूं वाला है, सूजी वाला नहीं। ये हो गया हमारा पास्ता रेडी, बढ़िया लग रहा है। पुराने गाने सुनो सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट करके देखें कैसा बना है भाई, अच्छा भी है कि नहीं है। अच्छा एकदम स्पाइसी, ज्यादा स्पाइसी हो गया भाई, मजा आ गया अल्टीमेट, थोड़ा स्पाइसी ज्यादा, जरा पानी पी गया हूँ। चलिए फिर इस ब्लॉग की एंडिंग आज हम ये कर देते हैं, खा पी के मुझे निकलना भी है, टाइम हो गया ड्यूटी का, भागता हूँ खा पी के। तो फिर अगर आपको आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।